राजस्व मंत्री रामलाल जाट एक दिवसीय भिलवाड़ा जिले के दौरे पर रहे, जहां भिलवाड़ा जिले के सुवाणा कस्बे में करोड़ों रुपए के विकास कार्य के शिलान्यास और लोकार्पण किए गए। साथ ही सुवाणा के खेल मैदान में जन सुनवाई की गई। इस दौरान आम लोगों की समस्या को सुनकर अधिकारियों को तुरंत निवारण करने के निर्देश भी दिए गए। जन सुनवाई के दौरान राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान के तमाम जिलों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। जिस जिले से यात्रा गुजरेगी उस जिलों में अन्य जिलों के लोग स्वागत करेंगे। साथ ही ये राहुल गांधी संत की तरह यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं प्रदेश में पटवारियों की लंबित मांग को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पटवारी जो लंबित मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, उनकी वाजिब मांगे सरकार मान रही है और आज ही उनकी साफ सुथरी मांगों पर सहमति बनी है। हमने भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में भी चर्चा की है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमें भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। देश में सामाजिक समरसता व देश को अखंड बनाए रखने के लिए भारत जोड़ो जैसी यात्रा निकालने की जरूरत पड़ी। महात्मा गांधी व विनोबा भावों के अलावा कोई आदमी इतना पैदल नहीं चल पाया जितना राहुल गांधी चल रहे हैं। राहुल गांधी एक संत की तरह राजनीति से ऊपर उठकर ये यात्रा निकाल रहे हैं। आज एक व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव पैदल नहीं जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा ने आम लोगों में जागृति पैदा की है। कोरोना के बाद प्रशासन गाँव के संग जो अभियान चले, मुख्यमंत्री जी ने उन कैंपों के माध्यम से काफी लोगों की जन समस्याओं का निराकरण हुआ, लेकिन फिर भी हमारे कई अधिकारी स्टाफ की कमी होने की वजह से, कुछ कैंपों के बाद भी पेंडेंसी काम पड़े रहने की वजह से कई काम फिर भी बाकी रह गए। काफ़ी काम हुए हैं। मैं रेवेन्यू विभाग के माध्यम से लगभग 15 से 16 लाख लोगों को 23 लाख लोग के शुद्धिकरण, नामांतरण, इस तरह के काम आए। लगभग करोड़ों लोगों ने इन कैंपों का फायदा उठाया। फिर भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जन सुनवाई के दौरान कई ऐसे काम है जो लोग नीचे से वहां तक पहुंचते हैं। जिला कलेक्टरों को पाबंद कर रखा है कि कोई भी एसडीएम जन सुनवाई करे, उनका दिन निश्चित है, फिर भी कई लोग नहीं आ पाते। इसलिए मैंने विधानसभा के अंदर भी जब समय समय पर, चाहे मेरे तीन ब्लॉक करेड़ा, मांडल, सुवाणा, तो अलग अलग जगह रखी मैंने, तो दीपावली स्नेह मिलन के साथ ही इन चीज़ों की शुरुआत हुई। जन सुनवाई भी साथ रखी। उससे फायदा ये कि लोगों के कई अटके हुए काम होते हैं। आज सुवाणा में जो कैंप रखा, हमारे भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में भी चर्चा है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमें भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। सामाजिक समरसता को बनाए रखना, देश को अखंड रखने के लिए आज भारत यात्रा जैसी जरूरत पड़ी। महात्मा गांधी जी विनोबा भावे के अलावा कोई आदमी इतना नहीं चल पाया। राहुल गांधी जी ने जिस तरह एक संत की तरह राजनीति से ऊपर उठकर इस यात्रा को लगभग 4000 किलोमीटर, 2700 किलोमीटर की यात्रा पद, आज एक आदमी एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए दिन भर बैठा रहे, बस नहीं आती तो इंतजार करता है कि मैं पैदल नहीं चलूं। लेकिन आज जिस तरह उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा ही नहीं, आम लोगों में जागृति पैदा की। देखो 521 किलोमीटर, लगभग 525 किलोमीटर राजस्थान में पदयात्रा रहेगी, 6 जिलों में दूरी तय कर रहे हैं। और राजस्थान में तमाम जिलों को पॉइंट दिया गया है, 6 जिलों के अलावा भी सब प्रभारी मंत्री जी को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। जिला हमारे प्रदेश समिति ने भी जो प्रतिनिधि उनको निर्देश दिया, वो जगह जगह NSOI फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सारे मिलकर जिस तरह से काम कर रहे हैं, जैसे आज हम यहाँ सभी लोग इकट्ठे होके ये काम कर रहे हैं, ऐसे ही पॉइंट दिया। जैसे भीलवाड़ा जिले को मेरू कला से कोटा के बीच में पॉइंट है, ऐसे ही हर जिलों को पॉइंट है।